हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल के एन एंड एक्जॉटिक्स। आपका अपने ही चैनल के एन एंड एक्जॉटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के हमारे क्वेश्चन है, क्या हम वे प्रोटीन अपने डॉग को दे सकते हैं या नहीं दे सकते। दूसरा क्वेश्चन है, क्या हम जो पैरासीटामोल है वो अपने डॉग को दे सकते हैं, अगर दे सकते हैं कितनी अमाउंट में देनी है और कब कब देनी है। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं कि क्या हम वे प्रोटीन अपने बुली को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो ये क्वेश्चन वो भाई लोग पूछ रहे हैं जिनको मस्कुलर डॉग रखने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैं आपको सबसे पहले हम जानते हैं कि डॉग्स की प्रोटीन नीड कितनी है। तो डॉग को 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर पाउंड उसके जो LBS वेट है। अब LBS में कैसे कन्वर्ट करना है, फ़र्ज़ कीजिए आपका 10 किलो का अमेरिकन बुली है तो 1 किलो इक्वल्स टू 2.2 LBS, तो 10 किलो हो गया 22 LBS। तो 22 LBS के हिसाब से 22 ग्राम प्रोटीन चाहिए उसको पूरे दिन में। मेरी जो पर्सनल सजेशन ये है कि सप्लीमेंट से ज़्यादा अच्छा है कि आप उसको नेचुरल फूड से उसकी प्रोटीन नीड्स पूरी कीजिए। अगर तो वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा प्रॉपर, अगर वो आप उसको ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं दे रहे, वो वेट को पुल नहीं कर रहा, तो उसको एक्सेसिव ओवर फीडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा प्रोटीन आप देंगे तो उसके यूज़ आने की बजाय वो उसको नुकसान पहुँचाएगी, उसकी किडनी को उतना ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा उसको बाहर निकालने के लिए। तो प्लीज़ आप वे प्रोटीन दे तो सकते हैं, सिर्फ उन्हीं डॉग को दे सकते हैं जिनको मिल्क में जो मिल्क पी के जिनको डिजेस्टिव प्रॉब्लम कुछ नहीं आती। और दूसरी बात, इनमें ये जो चॉकलेट फ्लेवर है और शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है इतना कुछ खास, पर जिनको शौक है वो तो पैसे की परवाह नहीं करेंगे, पर आप ना दीजिए तो ज़्यादा बेटर है। ये चीज़ें जो डॉग्स के लिए अपना बना हुआ है वो दीजिए, या आप रॉ वे प्रोटीन आती है वो दे सकते हैं जिनमें शुगर कंटेंट ना हो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जिन डॉग्स को मिल्क से कोई एलर्जी नहीं है सिर्फ उनको वे प्रोटीन का सप्लीमेंट आप दे सकते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन कि क्या हम पैरासीटामोल जो हम आम मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है, क्या हम वो अपने पपी को दे सकते हैं जब उसको फीवर है। तो हम बात करते हैं डॉग्स के नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की। डॉग्स का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 102.2 फ़ारेनहाइट तक होता है। 101 से 102.2 फ़ारेनहाइट तक उनका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, जो ह्यूमंस के लिए हाई टेम्परेचर आप कह सकते हैं उसको। तो अगर आप अपने डॉग का टेम्परेचर नापेंगे और वो अगर वो 101 या 102 आता है, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये उनका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। तो मेजर कैसे करना है आपको टेम्परेचर, आपको एक डिजिटल थर्मामीटर लेना है। इसको पहले बीटाडीन से आगे से साफ़ कीजिए, वेस्लिन जो वाइट पेट्रोलियम जेली है उसको लगाइए, 1 इंच तक अपने डॉग के एनल पोर में रखिए। ये थर्मामीटर्स 30 to 60 seconds में आपका रिजल्ट दे देंगे कि इसमें कितना उसका बॉडी टेम्परेचर है। अगर बॉडी टेम्परेचर 102 से अबव है तभी आप उसको पैरासीटामोल देंगे। अब डोज कितनी देनी है, नीचे आपको दिखा रहा हूँ क्लार्क्स फॉर्मूला। क्लार्क्स फॉर्मूला वो होता है कि जो अडल्ट डोज को कन्वर्ट करता है इन्फेंट्स में कि उनको कितनी देनी चाहिए। अगर तो छोटे बच्चे हैं तो पैरासीटामोल का सस्पेंशन आता है, आप एक एक दो दो बूंदी दे सकते हैं, जैसे 15-20 दिन के बच्चे हैं उनको देते हैं अगर फीवर लगे तो। बाकी क्लार्क्स फॉर्मूला मैं नीचे दिखा रहा हूँ आपको, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप डॉग्स पेट्स लवर हैं और आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन जानने का शौक है तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड। आपका एक एक लाइक एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू फ्रेंड्स।